अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो संतों के संग रहिए। जी हाँ, आज हम गीता भवन पर मौजूद है और तमाम संतों से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तमाम संत समाज यहाँ पर मौजूद है। चूँकि गीता भवन में बहुत ही प्यारा महोत्सव हो रहा है, उसी के चलते हम सीधे बात करते हैं, पूरे संत समाज से हम रूबरू करवाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं पहले संत से कि क्या कुछ सिखाते हैं और क्या कुछ सीखते हैं संत समाज से लोग। संत समाज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो संतों के संगत में बैठने से मन पवित्रता होती है, मन के विकार दूर होते हैं, साथ ही साथ ज्ञान की वृद्धि होती है, ध्यान की वृद्धि होती है, सत्संग के द्वारा ही विवेक की उपज होती है और विवेक से ही व्यक्ति परिवार समाज एवं राष्ट्र को स्वस्थ रख सकता है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। राष्ट्र की आपने बात की तो अभी राम मंदिर को लेकर काफ़ी चर्चा में है संत समाज, पूरा संत समाज ही एक तरह से देखा जाए तो गुस्से में है। आप कहाँ तक सहमत हैं, राम मंदिर बनना चाहिए या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य रहेगा ही रहेगा, लेकिन संत समाज का धैर्य इस समय उठाया हुआ है। संत गुस्से में नहीं है, संत गुस्सा में होगा तो संत कहलाएंगे ही नहीं, संत गुस्से में नहीं है। लेकिन कोर्ट जो लेट लतीफा कर रही है इसलिए थोड़ा सा जो है गर्मा गर्मी है, बाकी संत तो बिल्कुल शांत स्वरूप ही होते हैं। आपका अनुभव क्या है राम मंदिर को लेकर, इतना पुराना इतिहास है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना भी समय नहीं कि वो इतने लोगों के लिए समय निकाल पाए? 125 करोड़ श्रद्धा भक्ति जुड़ी है लोगों से, तो क्या कहेंगे? कुछ बातें ऐसी होती है जिसको जानबूझ करके लटकाया जाता है ना। बाकी वहाँ मंदिर बनाने चाहे तो रातों रात 7 मंजिला मंदिर बन सकता है ना। संत यदि एक मत हो जाए, एक मंच पे आ जाए तो रातों रात मंदिर बन जाएगा, ऐसी भी संभावना है। लेकिन हम कोर्ट के मर्यादा के, संविधान के मर्यादा को हम संत समाज पालन करते हैं, इसीलिए हम संत कोर्ट के आश्रय पे जुड़ रहे हैं। संत समाज ने एक नारा दिया है कि पहले मंदिर फिर सरकार, तो क्या आप भी उसी नारे पर चलेंगे? नहीं, हम उस नारे से सहमत नहीं हैं। ऐसा है कि सरकार कोई ढीलीत लतीफा काम नहीं कर रही, सरकार भी अपने दायरे में रह करके संविधान के दायरे का जो शपथ लिया जाता है गुप्तता की, उसमें कुछ गुप्त एजेंटे होते हैं, उसी एजेंटे के आधार पर सरकार काम कर रही है ना। समय आएगा तो सरकार भी मैदान में कूद पड़ेगी। अभी कमलनाथ सरकार का खूब सपोर्ट किया है कंप्यूटर बाबा ने, ऐसे में क्या कहेंगे, कहाँ तक सहमत है आप? ऐसा है कि किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति के द्वारा कोई समाज नहीं चलता है कि कोई राष्ट्र नहीं चलता है। अपने अपने स्वार्थ के लिए सब मर रहे हैं, उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ इसलिए वो वकलाए हुए, बाकी कोई इसमें तथ्य की बात नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम चर्चा थी और आपने सुना कि किस तरह से एक संत राम मंदिर के बारे में सोचता है, क्योंकि कहते हैं कि राम मंदिर ने कई बार सरकार बना दी लेकिन सरकार ने एक भी बार राम मंदिर नहीं बनवाया। तो सोचने लायक बात है, देखने लायक बात होगी कि राम मंदिर बनता है या नहीं बनता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य रहेगा पूरे देश में और रहना भी चाहिए। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए घमासान.com।